हेलो स्टूडेंट, इस यूट्यूब चैनल में हम आपको क्लास ट्वेल्थ का एनसीईआरटी का मैथ सेकेंड का बुक का पहला चैप्टर इंटीग्रेशन पढ़ाने वाले हैं। इंटीग्रेशन का थोड़ा सा हम बेसिक फॉर्मूला और रूल जानेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन को हिंदी में कहते हैं समाकलन, और इसका यहाँ पर इंटीग्रेशन INTEGRATION इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन अवकलज का उल्टा प्रोसेस होता है। इंटीग्रेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है अनिश्चित समाकलन और दूसरा होता है निश्चित समाकलन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन एवं डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यह अवकलज का उल्टा प्रोसेस होता है। इंटीग्रेशन अवकलज का उल्टा प्रोसेस होता है। अब देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अनिश्चित इंटीग्रेशन और दूसरा होता है निश्चित इंटीग्रेशन। यानी कि एक जो है अनिश्चित समाकलन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो यहां पर लिखेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को हम यहाँ शॉर्ट में INT लिख देते हैं। और दूसरा होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन यानी कि निश्चित समाकलन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर लिख देंगे DEFINITE डिफिनिट इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसका कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, कृपया आप लोग कॉपी कलम निकाल के बैठे। तो सबसे पहला सूत्र होता है इसका x के पावर n। तो x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n, और यहाँ पर लिखेंगे x के पावर n into dx। तो x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है x के पावर n+1 और बटा में n+1। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में प्लस में कॉन्स्टेंट जोड़ दिया जाता है, c या k आप जोड़ सकते हैं। दूसरा इसका फॉर्मूला होता है sin x। तो sin x का डिफ्रेंसिएशन होता है -cos x। तो यहाँ लिखेंगे -cos x प्लस में c। तीसरा होता है cos x। तो cos x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो जाएगा sin x प्लस में c। होता है sec² x dx बराबर tan x प्लस में c कॉन्स्टेंट। उसके बाद cosec² x, cosec² x का इंटीग्रेशन होता है माइनस में cot x प्लस में कॉन्स्टेंट। उसके बाद sec x into tan x dx, तो sec x into tan x का इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस कॉन्स्टेंट। उसके बाद cosec x into cot x, तो cosec x into cot x का इंटीग्रेशन होता है -cosec x प्लस में कॉन्स्टेंट। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस में कॉन्स्टेंट। इसका अगला फॉर्मूला होगा a के पावर x dx, यानी कि a के पावर x का इंटीग्रेशन होगा a के पावर x बटा में log a और प्लस में कॉन्स्टेंट। इसके बाद अगला सूत्र होगा 1/√(1 − x²dx), 1/√(1 − x²dx), इसका इंटीग्रेशन होता है sin inverse x प्लस कॉन्स्टेंट। इसके बाद −1/√(1 − x²dx), इसका सूत्र होता है cos inverse x प्लस कॉन्स्टेंट। इसका अगला सूत्र होगा 1/1+x²dx, तो इसका इंटीग्रेशन होता है tan inverse x प्लस कॉन्स्टेंट। इसका अगला फॉर्मूला होगा -1/1+x²dx,
इसका सूत्र होगा कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। इसका अगला फॉर्मूला होगा एक बटा एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। तो इसका सूत्र होता है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ये अगला फॉर्मूला हम देखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक बटा एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन होता है कोसेक इनवर्स एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। उसके बाद ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई के पावर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है डी एक्स का इंटीग्रेशन, डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये था कुछ इंटीग्रेशन का इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। अब हम इस पर कुछ बेसिक बेसिक सवाल देखते हैं। चलिए तो हम लोग अगला सवाल देखते हैं, कुछ बेसिक सा क्वेश्चन बहुत ही एकदम जीरो लेवल से। तो पहला क्वेश्चन होगा कि x के पावर चार डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन बताइए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है। तो x के पावर चार डी एक्स, तो एक अभी हम तुरंत फॉर्मूला बताए हैं x के पावर n, तो x के पावर n डी एक्स। तो इसका सूत्र होता है x के पावर n प्लस वन बटा n प्लस वन। तो जहां पर इसमें n है तो इसमें n के स्थान पर चार है, यानी कि यहाँ पर n का मान हो गया चार। तो इस फॉर्मूला को लिखेंगे तो फॉर्मूला के हिसाब से x के पावर n प्लस वन बटा में n प्लस वन। और याद रखिए जब कभी इनडिफिनिट इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें प्लस कॉन्स्टेंट लिखना न भूले। तो यहाँ पर लिख देंगे प्लस में कॉन्स्टेंट। अब जहां n है वहां पर कितना लिखेंगे, चार लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा x के पावर चार प्लस वन बटा चार प्लस वन। तो यहाँ चार प्लस वन और प्लस कॉन्स्टेंट, तो x के पावर चार और एक जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x के पावर पांच बटा में पांच और प्लस में कॉन्स्टेंट। तो ये हो गया इस सवाल का आंसर, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगर दूसरा क्वेश्चन इसी में एक दो टर्म जोड़ करके दे दिया जाए तो उसको जो है अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर देंगे। जैसे कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि x के पावर दो प्लस x के पावर तीन प्लस x के पावर पांच और dx, तो पहले क्या करेंगे, सबको अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, सब में इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे और सब में dx से गुना करेंगे। तो बारी बारी से इसको हम अलग अलग कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स के पावर तीन डी एक्स प्लस एक्स के पावर पांच डी एक्स। अब फिर से यही सूत्र को अप्लाई कर देंगे एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है एक्स के पावर एन प्लस वन बटा में एन प्लस वन। तो इसमें जहां एन है वहां पर दो है, इसमें जहां एन है वहां पर तीन है और इसमें जहां एन है वहां पर पांच है। तो इस सूत्र में जहां जहां पर एन के स्थान पर एक बार दो रखेंगे, एक बार तीन रखेंगे, एक बार पांच रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x के पावर 2 प्लस 1 बटा में 2 प्लस 1 प्लस x के पावर 3 प्लस 1 बटा में 3 प्लस 1 प्लस x के पावर 5 प्लस 1 बटा में 5 प्लस 1। और ये सब के बदला एक कॉन्स्टेंट प्लस में c जोड़ दें। सब के लिए अलग अलग कॉन्स्टेंट जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे x के पावर 3 दो और एक क्या हो गया, तीन हो गया। यहाँ पर हो जाएगा x के पावर 4 बटा 4 x के पावर 6 बटा 6 प्लस हो गया कॉन्स्टेंट। तो ये सवाल का ही हो गया आंसर। तो चलिए हम लोग एक दूसरा बेसिक सवाल लेते हैं, एकदम आसान सा क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आ गया साइन x प्लस कॉस x प्लस सेक स्क्वायर x, तो इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन किस प्रकार से करेंगे, एकदम ध्यान से देखिए। पहले क्या करेंगे, इसको अलग अलग करेंगे, उसमें सम में dx से गुना करेंगे। तो सम में अलग अलग करेंगे तो सम में इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे। तो साइन x लिखेंगे dx प्लस में cos x लिखेंगे dx लिखेंगे प्लस में sec स्क्वायर x लिखेंगे और क्या लिखेंगे dx लिखेंगे। तो अभी बताए थे साइन एक्स का इंटीग्रेशन, तो आप लोग को जो फॉर्मूला लिखाया गया है उसको अच्छी तरह से याद कर लेना है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस में कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, तो साइन एक्स लिखेंगे प्लस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, तो यहाँ क्या लिखेंगे
टैन एक्स लिखेंगे और सम में अलग अलग कांस्टेंट सी सी लिखेंगे तो सब के बदला एक कांस्टेंट ले देंगे सी, तो ये सवाल का हो गया आंसर। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत बेसिक सा उठाते हैं, अगर एक बटा एक्स रहे प्लस में ई के पावर एक्स रहे प्लस एक बटा एक प्लस एक्स स्क्वायर रहे, तो अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो इसको भी इसी प्रकार करेंगे, सबको अलग अलग करेंगे तो सबको अलग अलग कर देते हैं, तो एक बट्टा एक से डी एक्स प्लस में ई के पावर एक से डी एक्स प्लस में एक बट्टा एक प्लस एक्स स्क्वायर। और आपको पीछे जो सूत्र का जो लिस्ट बताया गया है उस सूत्र में से अगर ध्यान से देखिएगा तो एक बट्टा एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग एक्स, यहाँ लिखेंगे लॉग एक्स, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स, और एक बट्टा एक प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है टेन इनवर्स एक्स, और प्लस क्या जोड़ देंगे कांस्टेंट। तो ये कुछ एग्जांपल है इस सवाल का, बहुत ही बेसिक बेसिक, तो हम आप लोगों को कुछ एसडब्ल्यू देंगे इस एग्जांपल जिस तरह बताए हैं उसी प्रकार क्वेश्चन देंगे और आप लोग को उस क्वेश्चन को कम्प्लीट करके लाना है और नेक्स्ट वीडियो में हम उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। चलिए देखिए, तो कुछ आप लोग को जिस तरह का क्वेश्चन बताया गया है, सूत्र बताया गया है, उस सूत्र के हेल्प से आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो आसानी से बन जाएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग को खुद से बनाना है और उसका आंसर कल आप लोग को अगला वीडियो में जो है मिलाया जाएगा, तो आप उसको जो है बना करके अच्छी तरह से लाइएगा। तो एस डब्ल्यू आप लोगों का रहा और ये एस डब्ल्यू का पहला क्वेश्चन है कि एक्स की पावर दस डी एक्स रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर x के पावर 20 प्लस x के पावर 30 रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि e के पावर x प्लस में 1 बटा x प्लस में साइन x तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा। चौथा क्वेश्चन है sec स्क्वायर x प्लस में cosec स्क्वायर x और इसका जो है इनटू में dx है तो इसका इंटीग्रेशन निकालना है। पांचवा क्वेश्चन है एक बटा एक प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। छठा क्वेश्चन है एक बटा एक्स प्लस में एक्स की पावर तीस प्लस में कॉस एक्स तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसको आपको निकालना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर सात, ई के पावर एक्स प्लस में एक्स की पावर एक सौ प्लस में एक बटा एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन और इंटू में यहाँ पर है डी एक्स। आठवां सवाल है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स के पावर चार प्लस में एक्स के पावर छ और डी एक्स। इसका अगला सवाल है साइन एक्स प्लस में एक बटा एक प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में एक बटा में रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। इसके आगे दस नंबर क्वेश्चन है एक्स के पावर चालीस प्लस में ए के पावर एक्स और डी एक्स। तो आप लोग को इतना क्वेश्चन बना करके लाना है और अगले वीडियो में इसका आंसर मिलाया जाएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, दोस्तों के साथ शेयर कर दे और इसी तरह से कंप्लीट मैथ ट्वेल्थ का आप लोगों को कम्प्लीट कराया जाएगा सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर। अगर कोई आपको कोई प्रॉब्लम आया क्वेश्चन समझने में तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।